हेलो स्टूडेंट्स, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट उसके काफ़ी हद तक डिपेंड करती है उसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लास्टिक। प्लास्टिक के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने की वजह से उससे बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। डेफिनेटली जो इसका सोर्स है, मेन सोर्स प्लास्टिक का, वो क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल से बनाया जाता है प्लास्टिक। तो जिस टाइम पे इसको कन्वर्ट किया जाता है क्रूड ऑयल से प्लास्टिक, उस टाइम पे भी हमारा बहुत सारा पॉल्यूशन एमिट होता है। साथ ही जब हम प्लास्टिक को यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, अलग अलग कंपोनेंट्स में जब इसको लगाया जाता है, तो उसके साथ भी आपका ये जो पॉल्यूशन है वहां पे भी एमिट होता है। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रूट कॉज बन चुका है हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए। आज लगभग हर इंडस्ट्री में प्लास्टिक को यूज किया जाता है, लगभग हर कॉम्पोनेंट्स में प्लास्टिक को यूज किया जाता है, और प्लास्टिक भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं बेस्ड ऑन देयर जो लॉन्जिविटी है, जो उनका जो रियूजेबल जो इनके कंपोनेंट्स हैं उनके बेसिस पे हम उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे प्लास्टिक जिसको रीयूज ना किया जा सके, जो डिकम्पोज ना हो सके, डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात होती है। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड। इंडिया प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके कितना ज्यादा अलर्ट है, कितना ज्यादा सीरियस है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है प्लास्टिक के सामने, और इसको इंप्लीमेंट करने में हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इंडिया की कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए लाई गई हैं, आइए इस चीज को आज डिटेल में समझते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन, एज इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉल्यूशन, अगर हम बात करें तो प्लास्टिक पॉल्यूशन का सबसे बड़ा एक हब बन गया है इंडिया। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। दिवाली के शुभ अवसर पर चहल अकेडमी लाए है 50% डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारी जो ऑनलाइन कोर्सेज की फीस है 99,999 से सिर्फ 49,999 कर दी गई है, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फीस है 24,999 से जस्ट 19,999 कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। बात करते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन की, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। यानी इससे फाइट करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज अपने अपने लेवल पे एफर्ट डाल रही है, लेकिन इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो कंट्रीज इनके अल्टरनेटिव्स लेकर आई हैं, या तो वो उतना कैपेसिटी नहीं है, सप्लाई उतनी नहीं है, या फिर उसकी जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली कम है। सो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द कंसर्न इन दिस पर्टिकुलर प्लास्टिक पॉल्यूशन। India account for the approximately 1/5 of the total plastic waste generation worldwide. यानी पूरे वर्ल्ड का लगभग 20% पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन इंडिया से होता है। डेफिनेटली ये कोई भी डेवलपिंग जब कंट्री होती है तो वो डेवलपिंग फेज में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज पे फोकस करती है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करती है, जिसकी वजह से हमारा जो है हमें बहुत ज्यादा प्लास्टिक पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बट प्लास्टिक पे डिपेंडेंट रहने का एक और रीजन है। सपोज कीजिए अगर हमें पर ईयर जस्ट एक अप्रॉक्स वैल्यू अगर हम माने कि 100 टन सपोज कीजिए हमें क्रूड ऑयल चाहिए होता है, गैलन में कंसिडर कर लीजिए, 100 गैलन अगर हमें क्रूड ऑयल चाहिए तो हम लगभग 120 से 130 गैलन हम मंगाएंगे। यानी जितने भी रिक्वायरमेंट होती है हमारी क्रूड ऑयल की, उससे लगभग 20 से 25% एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है, ताकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट ना हो, ताकि हमारे फिस्कल्स के जो डेफिसिट्स होते हैं वो ना हो, और जो हमारा जो जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो फॉरेक्स है, और जो हमारा जितने भी डॉलर्स के रिजर्व्स हैं हमारे पास, वो मेंटेन रहें। इससे क्या होगा, जब भी हम अगर हमें 100 की रिक्वायरमेंट है और अगर हम 120 और 130 इंपोर्ट करेंगे क्रूड ऑयल, तो उसमें से जो हमने एक्स्ट्रा इंपोर्ट किया है 20-30, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर में, और उसमें से एक है प्लास्टिक। अब इस प्लास्टिक को फिर दोबारा से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरी कंट्रीज में, तो जो पैसा हमें देना पड़ा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में, हमें उसका काफी परसेंट, लगभग 30-40% जो डॉलर्स हैं वो वापस मिल जाते हैं, क्योंकि हम उसी का एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो क्रूड ऑयल एक कच्चा जो तेल है, हम उसको खरीदते हैं और उसको प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में और दूसरे सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जेली हो गई हमारे, जो वैक्स हो गए, दूसरे जो प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं हमारे ब्लास्ट फर्नेस से,
फिर दोबारा से कन्वर्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ताकि हमारा जो रिजर्व है वो मेंटेन रहे। ईरान की आप जानते ही होंगे, ईरान से जब भी हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो ऑयल इंपोर्ट करने में यूएस का उसमें जो सैंक्शन लगा हुआ है उसकी वजह से हम जो बार्टर सिस्टम में मेनली ईरान से ऑयल खरीदते हैं, हमें यहां से आयरन देना पड़ता है, मैग्नीशियम देना पड़ता है ईरान को, और फिर ईरान उसके बदले में हमें ऑयल देता है। तो लगभग जो हमारा 8.3 जो लाख करोड़ का जो हमारा टोटल इंपोर्ट बिल होता है उसमें काफी ज्यादा जो रेशियो होता है वो हम बार्टर सिस्टम से ऑफसेटिंग के थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है डॉलर्स हमारे बच जाए, हम डॉलर जो है ईरान को ना देने पड़े, जबकि हम वहां से जो आयरन है और जो मैग्नीशियम है वो हमें देना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिस वजह से हमारे इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी जो इनिशियली रिक्वायरमेंट थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो मेटल्स हमें चाहिए थे इंडिया में अवेलेबल होने के बाद भी हमें वहां से ऑयल खरीदना था, इस वजह से हमें एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, हमें डोमेस्टिक मार्केट को इतना हम सप्लाई नहीं कर पाते आयरन और मैग्नीशियम, जिसकी वजह से आज तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक से डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन अब इंडिया पूरा फोकस कर रहा है, बहुत सारी PLI स्कीम्स लेकर आए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर। 2021 में 20 लाख करोड़ रुपीज का कॉर्पस भी गवर्नमेंट ने निकाला था MSME को इंप्रूव करने के लिए, और धीरे 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 हमारी जो प्रोडक्शन है और इंडस्ट्रीज है बढ़ रही है। बट साथ ही में एक दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा जो इश्यू है वो भी रेज हो रहा है, दैट इज प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे इसको देखते हैं। एक जर्नल के थ्रू पता चलता है कि हमारा जो 1/5 है वर्ल्ड का वो इंडिया ही प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इंडिया सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है प्लास्टिक पॉल्यूशन। उसके बाद नाइजीरिया, इंडोनेशिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, बांग्लादेश, ब्राजील, थाईलैंड एंड कोंगो जो है ये लगभग इंडिया के अगर कंपैरेटिवली देखें तो बहुत ही कम कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई भी कंट्री जब डेवलपिंग फेज में होता लाइक इंडिया पॉल्यूशन क्रिएट होता ही है। तो इंडिया ने लगभग 9.3 मिलियन टन्स ये एवरी ईयर वी आर प्रोड्यूसिंग दिस मच ऑफ द पॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द प्लास्टिक। बात करें क्या क्या रीजन होते हैं और क्या क्या इससे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली बात तो ओपन बर्निंग ऑफ द वेस्ट, हम हर साल जो वेस्ट को बर्न करते हैं वो एक बहुत बड़ा इशू है। हम इसको रिसाइकल करने की बजाय कुछ लोग इसको डायरेक्टली बर्न कर देते हैं। तो इंडिया बर्न अप्रोक्सीमेटली 5.8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एवरी ईयर, जो कि एनवायरमेंटल रिस्क पोज करता है। डिस्क्रिपेंसीज इन द कलेक्शन, यानी डेटा का कहीं ना कहीं पे लैकिंग है, डेटा डेफिसिट है, यानी कुछ डेटा बताते हैं कि 95% जो हमारा जो वेस्ट होता है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, वहीं पे जो दूसरी एजेंसीज हैं वो बताती हैं कि ये 81 के आसपास है, यानी जितना भी मार्केट में पहुंचता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली 95% हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं, दोबारा से रिसीव करके रिसाइकल करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन एजेंसीज के अकॉर्डिंगली जस्ट 81% ही ऐसा किया जाता है। इन एडिक्वेट मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली इतना बड़ा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे प्लान कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, जरूरत है थोड़ा फास्ट रेट से, बट यस बाय द टाइम बाय 2030 वी विल बी इन द कंडीशन टू रिट्रीव ऑल द पॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम उस पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच सकते हैं, बट यस धीरे धीरे ही हम उसकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। बात करें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस है डेफिनेटली जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, और जो हमारे जो प्लास्टिक यूज किया जाता है वो ड्रेनेज सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, ड्रेनेज सिस्टम में अटक जाता है, स्पेशली जो पोलोथीन्स और जो बैग्स और जो हमारे जो बॉटल्स वगैरह ये जो यूज की जाती हैं, जनरली जो हमारे जो ग्रूव्स वाली बॉटल्स होती हैं वो जो फिशेज होती हैं अगर ये पानी में डंप कर दिया जाए तो फिशेज के गिल्स के अंदर में अटक जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी पहले जो बॉटल्स आती थी जिनके ऊपर ग्रूव्स होते थे अभी प्लेन बॉटल्स को ही अलाउ किया गया है, ग्रूव्स हम उसके अंदर में ज्यादा नहीं बना सकते क्योंकि इससे मैराइन में स्पेशली फिशेस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरी अगर हम बात करें जो माइक्रो प्लास्टिक होता है, बहुत ही छोटे लेवल का जो प्लास्टिक होता है, ये कई बार इस तरीके से प्रॉब्लम करता है कि ये जब कहीं पे डेब्री कहीं पे कलेक्ट होता है तो वहां पे जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है उसको भी इम्पिटस देता है, उसको भी बूस्टअप कर देता है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में जब मॉस्किटोज है वो ज्यादा आते हैं और डिजीज के फैलने के चांसेस हमारे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली फिक्की की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें
देखिए तो हर साल लगभग 133 बिलियन डॉलर का जो लॉस है, बिलियन का जो लॉस है डॉलर का, वो हमेशा हमें बियर करना पड़ता है हर साल, क्योंकि जितना वेस्ट जो प्लास्टिक की फॉर्म में हमारा जो बाहर निकल के आता है वापस उतना कलेक्ट नहीं होता है। तो लगभग 68 यूएसडी जो डॉलर है, बिलियन डॉलर, ये डायरेक्टली जो पैकिंग वेस्ट है वो अनकलेक्टेड रह जाता है और वो इधर उधर कहीं पे वो एक तरीके से डेब्री बन जाता है और जो डिकम्पोज ठीक से नहीं हो जाने की वजह से वो प्रॉब्लम करता है, हेल्थ हजार्ड्स भी क्रिएट कर देता है। बात करते हैं माइक्रोप्लास्टिक की। माइक्रोप्लास्टिक का क्या मतलब है? ऐसा प्लास्टिक जिसका जो साइज है 5 mm से कम है, यानी कोई भी पॉलिथीन, कोई बैग, कोई प्लास्टिक, कोई भी कंपोनेंट, कोई बॉक्स, एसी, फ्रिज, जहां भी आपने 5 mm से कम थिकनेस का जो प्लास्टिक यूज किया है उसी को हम बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक, विच कैन बी हार्मफुल टू आर ओशन एंड दी एक्वेटिक लाइफ। डेफिनेटली माना ऐसे जाता है कि अगर एक कहावत भी है कि अगर आपकी कोई चीज खो जाए तो वो आपको कुछ टाइम बाद जो मेडिटेरेनियन सी है वहां जाके मिल जाएगा। कहीं पहले लोग इसको हंसी में उड़ा देते थे, बट ये रियलिटी है कि जो हमारी जो वाटर साइकिल है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी हमारा वेस्ट है वो धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, चाहे वो कितना भी मैनेजमेंट हो जाए, वो जाके पहुंचता है हमारे समुद्र में, और जो हमारी ओशियन करंट्स है वो ओशियन करंट्स उसको इस तरीके से मूव कराती है कि जो हमारा जो सबसे लो लाइंग एरियाज मेडिटेरेनियन में हाई सॉल्ट होने की वजह से लो सी लेवल रहता है, और उसके बदले में जब हम अटलांटिक ओशियन में देखते हैं तो हमारा हाई सी लेवल रहता है, तो हाई सी लेवल से लो सी लेवल की तरफ में मूवमेंट होता है, और जो हमारा आप जानते ही है जो हमारी वाटर कन्वेयर बेल्ट है वर्ल्ड की, वो ज्यादातर वो जो वाटर है अटलांटिक के ग्रुप्स के अंदर में ले जाता है गल्फ स्ट्रीम के फॉर्म में, और वहां पे मेडिटेरियन में वाटर भी चला जाता है। और यानी ये बात काफी हद तक सच भी है, क्योंकि ये एक तरीके से पॉल्यूशन जो है धीरे धीरे करके वाटर में ही पहुंच रहा है, और जो हमारी मैराइन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो कहीं ना कहीं हार्म हो रही है बहुत ज्यादा। प्लास्टिक को हम दो तरीके से मान सकते हैं, एक प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, स्पेशली हम माइक्रोप्लास्टिक की बात करें, और दूसरा है हमारा जो माइक्रोप्लास्टिक का सेकेंडरी कंपोनेंट है। यानी अगर सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा ये 69 to 80% है ये ओशियन में चला जाता है किसी ना किसी फॉर्म में, जैसे कि बॉटल्स हो गई, बैग्स हो गई, पोलोथीन्स हो गई, या फिर किसी तरह का कोई मैश, यानी बॉटल बैग्स, या फिर फिशिंग नेट जो होते हैं, फिशिंग नेट भी अगर पता होगा तो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर में जहां जिनको भी कोस्टल का एक्सेस है वो फिशिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं फिशिंग नेट्स, और फिशिंग नेट्स में या तो मेटल यूज किए जाते हैं या प्लास्टिक यूज किया जाता है, ज्यादातर कंट्रीज उसको प्लास्टिक की फॉर्म में यूज करती हैं, और वो जो फिशिंग नेट है वो छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स धीरे 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 करके हमारे सी और या ओशन में चले जाते हैं। तो ऐसे जो आपके पीसेज होते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। वहीं पे प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक का मतलब है जो हम क्लोथ्स वगैरह आजकल यूज करते हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स, जब भी वॉशिंग की जाएगी किसी क्लोथ की तो वो जो छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स है प्लास्टिक की, आज हम बहुत ही गर्व से बोलते हैं कि हमने एक यानी एक तरीके से वाटर रेजिस्टेंट क्लोथ्स बना लिए हैं, हमने ग्राफीन वाले क्लोथ्स बना लिए हैं, हमने प्लास्टिक वाले क्लोथ्स बना लिए हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स बन गए हैं जिन पे बहुत कम डस्ट लगता है, कम वाटर लगता है, कम ग्रीस लगता है, बट इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो एक्वेटिक लाइफ के ऊपर भी पड़ रहा है। यानी ये जब भी वॉश होगा, वॉश होने के बाद ये सारी चीजें वाटर में जाती हैं, और वाटर में जाने के बाद धीरे धीरे ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू या तो वो गंदा नाला में पहुंचती है या फिर वो कहीं पे रिवर में ड्रेन कर दी जाती है। हमारे ड्रेनेज सिस्टम ज्यादातर ऐसे हैं कि वह नाला के बाद भी वाटर में ही, यानी जो रिवर्स होती है वहीं पर ड्रेन आउट किए जाते हैं। लगभग 7 स्टेजेस से इसको पास किया जाता है वाटर क्लीन करने के लिए, और वापस जो वेस्ट होता है वापस से फिर भी रिवर में ही डंप किया जाता है, सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए उन्हें वाटर सेपरेटली निकाला जाता है। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी ऐसा बोला जाता था कि पहले जो एड एजेंसीज थी और जो कंपनीज थी ये क्लेम करती थी कि जो फेशियल स्क्रबर्स होते हैं या फिर जो टूथब्रश में छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स यूज करते थे, वो धीरे धीरे पता चला कि जो स्क्रबर के जो कंपनीज क्लेम करती हैं कि हम ये एप्रिकॉट यूज कर रहे हैं, लेमन के फ्लेवर्स यूज कर रहे हैं, या फिर ऑरेंज का जो अपर का पील है उसको यूज कर रहे हैं, बाद में हमें पता चलता है कि वो स्क्रबर प्लास्टिक है और कुछ भी नहीं। डेफिनेटली
रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर काफी साल पहले बैन भी लगा दिया था। आज भी इस तरीके से क्लेम करने वाली कंपनी स्क्रबर लेकर आ रही है और वो प्लास्टिक है ज्यादातर, और हम सारी कंपनीज की डेफिनेटली क्लेम नहीं कर सकते, बट ये उसमें से ज्यादातर कंपनीज जो है वो इस तरीके से प्लास्टिक लेकर आई है। तो स्क्रबर्स जो फेशियल स्क्रबर्स है उसके अंदर में काफी यूज होता है, जो कार्स के ऊपर जो कोटिंग की जाती है, जो आपके जो बड़े बड़े व्हीकल्स के ऊपर कोटिंग की जाती है, हमारे फैंस के ऊपर में कोटिंग की जाती है, उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक यूज किया जाता है। कार के टायर्स यानी जब कार चलेगी तो उसमें से भी छोटे छोटे प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं, रबर के जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स होते रहते हैं, हमारे एयर में आते रहते हैं और वो भी धीरे धीरे वाटर में या फिर कहीं और जाके हमारी या तो बॉडी में डायरेक्टली हम इनहेल कर लेते हैं या फिर जब वो वाटर में जाते हैं तो या फिर उसको ड्रिंक कर लेते हैं। एंड डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने। प्लास्टिक को यानी स्पेशली जो हमारा मैक्रो माइक्रो प्लास्टिक है उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नैनो प्लास्टिक जिसका साइज लगभग 10^-7 से लेकर -9 मीटर तक होगा, ये इतना छोटा होता है कि ये विजिबल नहीं होता, डिटेक्ट इसको करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमारे अगर आसपास में घूम रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा कि कब ये हमारी बॉडी के अंदर में एंटर करेगा, कब हमारे फूड में एंटर करेगा और हम इसको खा या पी जाएंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो मैक्रो जो माइक्रो प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक लगभग 10^-6 से लेकर -4 के बीच में होगा, ये भी बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, बट कंपेयर टू दी नैनो पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा मैनेजेबल है। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो प्लास्टिक की जिसका साइज 10^-3 से लेकर -1 तक है, ये प्लास्टिक हम नेकेड आइज के थ्रू इसको देख सकते हैं और कलेक्ट भी कर सकते हैं। डेफिनेटली एटलीस्ट इस टाइप का जो प्लास्टिक है फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन ये जो माइक्रो और नैनो टाइप के प्लास्टिक्स हैं ये मैनेजेबल यानी बहुत ही डिफिकल्टी है इसको मैनेज करने में, क्योंकि इस कदर से ये एटमॉस्फेयर में एरोसोल्स बना लेता है, इट गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विद द एयर कि हम इसको सेपरेट ही नहीं कर पाते एयर और इससे, और ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में चला जाता है। क्या गवर्नमेंट ने एफर्ट्स डाले हैं? डेफिनेटली 1972 में जो कन्वेंशन प्रिवेंशन ऑन मैराइन पोल्यूशन हुआ डंपिंग वेस्ट एंड अदर मैटर्स के ऊपर, इसको भी इंप्लीमेंट किया गया था 1972 में। 2017 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने एक बहुत बड़ा कैंपेन भी किया था जो आज तक जारी है, यानी इस कैंपेन के अंदर में माइक्रो प्लास्टिक को कंट्रीज को बोला गया था कि आप अपनी अपनी कंट्रीज में इसको बैन कर दे। बैसल कन्वेंशन होता है 2019 में प्लास्टिक वेस्ट को लेके, जो एक तरीके से जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर भी काफी हद तक बैन करता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर में काम करता है। चाइना या दूसरी कंट्रीज से अगर कोई भी मटेरियल गलत तरीके से इंडिया में आता है जो एनवायरमेंटल हैजार्ड कर सकता है या किसी भी कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी ये नजर रखता है कि अगर इस तरह का एनवायरमेंटल हैजार्ड से रिलेटेड कोई प्लास्टिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर में बैन लगाया जाता है अंडर द बैसल कन्वेंशन। बात करें इंडियास के एफर्ट इंडिया एफर्ट्स की, तो इंडिया लेकर आया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अब से पहले ऐसा होता था कि कोई भी कंपनी अगर कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती है तो उस प्लास्टिक प्रोडक्ट का अब उससे कोई लेना देना नहीं है, पॉल्यूशन जितना भी होता है उसके कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया है कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, उदाहरण के तौर पे कि अगर कोई चिप्स का पैकेट अगर मार्केट में आता है तो चिप्स कंज्यूम करने के बाद जो पैकेट जो इधर उधर घूमता रहता है वो भी उस कंपनी को, चिप्स की कंपनी को कलेक्ट करना पड़ेगा और दोबारा से रिसाइकिल में उसको डालना पड़ेगा, या तो उसको कंपनी को खुद करना पड़ेगा या फिर इस तरह की कंपनीज को हायर करना पड़ेगा जो ऐसा करती हैं, यानी जो वेस्ट कलेक्शन कंपनीज हैं उनसे सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे कि हमने जो मान लीजिए कि 100 kg जो एक्सपोर्ट किए जो मार्केट में लेकर आए थे वेस्ट, उसमें से 60%-70% हमने वापस से रिसाइकल करा लिया है। डेफिनेटली आजकल इस तरह की जो प्राइवेट फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं जिसमें EPR के सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे, अगर आप खुद भी ये चीज नहीं करना चाहते तो यू विल गेट इट डन बाय सम अनदर कंपनी जो इसमें इन्वॉल्व है ऑलरेडी। इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी प्रोड्यूसर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स लेकर आए 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें जो प्रोहिबिट किया जाता है मैन्युफैक्चर को, इंपोर्ट को, स्टॉकिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को, यूज ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स, यानी 120
से छोटे mm 120 mm से छोटे साइज के जो प्लास्टिक हैं उसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्टॉकिंग या फिर सेल नहीं कर सकते अंडर दिस प्रोग्राम। एक और प्रोग्राम लेकर आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में गवर्नमेंट एक तरीके से कैंपेन कर रही है टू इंक्लूड द कलेक्शन एंड द डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट, जिसमें गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट लोगों तक ये मैसेज पहुंचाती है कि हमारे लिए कितना ज्यादा ये हार्मफुल हो सकता है। प्लास्टिक पार्क्स बनाए गए हैं जिसके अंदर में जो इंडस्ट्रियल जोन्स है एक तरीके से फॉर रिसाइकलिंग एंड द प्रोसेसिंग प्लास्टिक वेस्ट, जिस तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हुआ करते थे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं यहाँ पे, इसी तरीके से प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके भी गवर्नमेंट एक तरीके से प्लास्टिक पार्क्स लेकर आई है जहां पे सिर्फ प्लास्टिक की रिसाइकलिंग होगी और प्लास्टिक को डेवलप किया जाएगा। मेनली इस पे फोकस है बायोप्लास्टिक का, जो एक तरीके से डिकम्पोज भी इजीली हो जाते हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट इसके ऊपर भी फोकस कर रही है। बीच क्लीन अप ड्राइव्स, एक तरीके से गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स कई बार ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आती है जिसमें बीच की क्लीनिंग होती है। देखा यह जाता है कि जो लोग टूरिज्म पर्पस से या फिर जो भी बीच पे विजिट करता है वो जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम करता है उसके बाद में उसको डंप कर देता है सी के अंदर में, ओशियन के अंदर में, डेफिनेटली उससे प्रॉब्लम होती है। तो वहीं पर जो कलेक्शन सिस्टम है वहां पर वो किया जा रहा है अंडर दिस बीच क्लीनअप ड्राइव्स। और अगर बात करें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में जो रिटेलर सेल प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा, उसके बाद कंज्यूमर इसको बाय करेगा, कंज्यूमर बाय करने के बाद इसके लिए कोई कंपनी होगी जो इस वेस्ट को कलेक्ट करेगी, कलेक्ट करने के बाद ये दोबारा से उस पर्टिकुलर रिसाइकल करने के बाद उसी कंपनी को भेज दिया जाएगा जो प्लास्टिक है, या फिर बेसिक कंपनी को भेज दिया जाएगा। बेसिक कंपनी उस प्लास्टिक को दोबारा से रिटेलर को भेज देगी। तो इस तरीके से ये हमारा जो सर्कुलर इकोनॉमी है ये हमारा मेंटेन्ड रहेगा, यानी ज्यादा लॉस या फिर ज्यादा गेन नहीं होगा, बट डेफिनेटली मेंटेन्ड रहेंगी हमारी इकोनॉमी की सारी एक्टिविटीज। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स लाए गए 2011 में, जिसमें ईपीआर को पहली बार इंप्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर में। इट मेक्स प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल इंपैक्ट, जो उसने किया है पूरी साइकिल में उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी सिर्फ प्रोड्यूस करना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका रिसाइकल करके दोबारा से यूज करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट एम्स टू प्रमोट बेटर वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिड्यूस द बर्डन ऑन द म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज के बढ़ते जो आपके जो बर्डन है उसको भी कम करती है, क्योंकि ये जो बर्डन है अब धीरे धीरे स्विच हो रहा है टुवर्ड द प्लास्टिक कंपनीज एंड दिस कंपनीज जो भी प्रोड्यूसर कंपनीज हैं। एनवायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट्स एक तरीके से मार्केट में ला जाए। EPR जो है एप्लीकेबल टू वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग द प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट एंड बैटरी वेस्ट। बैटरी में आप जानते होंगे जो जनरली हम बैटरीज यूज करते हैं, अपनी कार में यूज करते हैं, बाइक्स में यूज करते हैं, अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, इन्वर्टर्स वगैरह के अंदर में, एक लाइफ होने के बाद हम उसको वेस्ट को थ्रो कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर में HCl, HNO3, H2SO4 इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो सॉइल पॉल्यूशन भी करते हैं, एयर पॉल्यूशन भी करते हैं, एंड डेफिनेटली वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो इसके एक तरीके से गवर्नमेंट इस तरह के जो प्रोग्राम्स लाई है जिसमें आप पुरानी बैटरी को ले जाके यानी कुछ रेट पे उसको रीसेल कर सकते हैं, और आपको जो दूसरी बैटरी आप खरीदेंगे उसमें आपको कुछ कंसेशन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही ई वेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स, अब गवर्नमेंट की कंपनीज आ गई हैं और शॉप्स आ गई हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान आपके घर में अगर वेस्ट होता है उसको आप एक तरीके से भेजना चाहते हैं यानी उसको बेचना चाहते हैं, तो आप उन कंपनीज के पास जा सकते हैं और उन शॉप्स के पास जा सकते हैं, और वो शॉप आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक तरीके से सर्टिफिकेट आपके बना के देगी जो भी आपने उस शॉप को दिया है। यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को थ्रो करने से बेटर है कि गवर्नमेंट के जो रिसाइकल ई वेस्ट जो शॉप्स है उसके ऊपर जाके आप यहाँ पे अपने सबमिट करा सकते हैं अपने वेस्ट को, प्लास्टिक वेस्ट को। इस तरीके से गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। बात करें इंपैक्ट की, तो अगर इंडिया कंज्यूम द लोएस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक अमंग द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे अगर बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के कंपैरेटिवली अगर हम देखें सिंगल यूज प्लास्टिक की अगर हम बात करें, ओवरऑल डेफिनेटली जो प्रोड्यूस कर रहा है गवर्नमेंट इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है प्लास्टिक प्रोड्यूस, यानी वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। लेकिन अगर माइक्रो प्लास्टिक में अगर हम बात करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक में बात करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है, उसके बाद यूएसए, साउथ कोरिया, यूके, जापान, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी,
चाइना एंड लास्ट में है हमारा इंडिया जो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है डेफिनेटली, बट इसमें भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इंडिया को भी और इन सभी कंट्रीज को अपने सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर में ध्यान देना जरूरी है। वे फॉरवर्ड अगर हम इसमें देखें तो सर्कुलर इकोनॉमी पे हमें फोकस करना पड़ेगा, यानी एक ऐसा कॉम्पोनेंट जो वेस्ट बन गया था लेकिन उसके भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं तो उसको भी इकोनॉमी में वापस लाया जाए, यानी जो हमारा वेस्ट है उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए। वही जो मैंने अभी बताया आपको डिजाइन बेटर प्रोडक्ट्स, एक ऐसे सबसे पहले तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए कि उसे वेस्ट ही ना प्रोड्यूस किया जाए, उसको दोबारा से रीयूज कर लिया जाए, रिड्यूस द प्रोसेस वेस्ट, और उसके बाद अगर हम देखें तो लाइफ साइकिल उसको बढ़ाने की कोशिश करें, प्रमोट रीयूज। अगर लाइफ साइकिल अगर खत्म हो गई है तो डेफिनेटली उसके रीयूज पे फोकस करें, कलेक्शन पे हमें खासा ध्यान देना पड़ेगा, इससे रिलेटेड कंपनीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये और कंपनीज को इंक्लूड करना पड़ेगा, प्लास्टिक कंपनीज को जो इसको रिसाइकल करे, इसको एनकरेज करना पड़ेगा और डेफिनेटली दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा और धीरे धीरे करके डेवलप मार्केट फॉर द रिसाइकल्ड मटेरियल, यानी ऐसी मार्केट भी डेवलप करनी पड़ेगी जिसमें रिसाइकल मटेरियल्स को कुछ लोग खरीदें ताकि इसमें जो इकोनॉमिक जो है सर्कुलर इकोनॉमी ये डेवलप हो पाए। प्लास्टिक वेस्ट आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है प्लास्टिक वेस्ट को लेके, इससे रिलेटेड इंडिया बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी लाए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी इंडिया एक सिंगल यूज प्लास्टिक को धीरे धीरे करके बंद कर देगा और जितने भी प्लास्टिक्स हैं उनके कोई अल्टरनेटिव्स लाए जाएंगे ताकि हम धीरे धीरे जो प्लास्टिक से बढ़ते हुए पॉल्यूशन को हम धीरे धीरे कम कर सके। आपको हमारी वीडियोज किस तरीके से लगती है, कोई इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल अकेडमी। थैंक यू।